करियर चॉइसेस तो जो करियर चॉइसेस हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक बच्चा जो है वो काफ़ी परेशान होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए बिकॉज़ इस केस में आपके पेरेंट्स होते हैं कुछ फ्रेंड्स होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं घर में फ्रेंड्स भी होते हैं फैमिली भी होती है और फैमिली के कुछ और गेस्ट वगैरह आते हैं वो सभी बताते हैं कि करियर में इतने सारे चॉइसेस हमारे पास आते हैं और अब हमें क्या करना चाहिए और इस समय पर बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसी बातें को लेकर तो इस वीडियो में हम कुछ करर चॉइसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि जो बच्चा इस समय पर बीटेक में है फाइनल ईयर में है या फिर आप कोई और कोई भी कोर्सेज आप कर रहे हैं चाहे आप एमसीए कर रहे हैं चाहे एमएससी कर रहे हैं या फिर बच्चे बी कर रहे हैं जो भी इस समय पर अपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर साइंस से तो अब उन्हें इसके बाद आगे क्या करना चाहिए तो ये एक ऐसा वीडियो है जो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो जो है मैंने पहले भी दो तीन बार ये सेम वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी किया है ये जो वीडियो है मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड किया था इन 2014-15 यानी कि आज से सात साल पहले उसके बाद मैंने दोबारा से इस वीडियो को एक या दो बार दोबारा से मैंने रिकॉर्ड किया था इन 2018 और दोबारा से अगेन मैं इस वीडियो को अगेन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा से रिपीटिशन कर रहा हूँ बिकॉज़ यूट्यूब पर भी कई बार ऐसा होता है कि जो वीडियोस हैं वो बार बार रिपीट नहीं होते वो कई बार शो नहीं करते तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा वीडियो है जो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एंड सो लेटस स्टार्ट है ना तो सो स्टार्ट करते हैं तो लेटस ही क्या हो सकता है राइट right? तो आप सभी के लिए आई ज्वाइन अन अकेडमी तो काफ़ी बच्चे हैं मुझसे पूछ रहे थे कि सर काफ़ी टाइम से आप आ, क्या कर रहे थे आपके कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे तो रीज़न ये था कि आई वॉज नॉट वेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे लगभग दो साल मुझे हो चुका था कि मैंने पढ़ा नहीं रहा था बिकॉज आई वॉज़ नॉट वेल बट अगेन अभी मैं दोबारा से स्टार्ट किया है एंड अगेन आई जॉइंट विद अन अकेडमी होप आप सभी को पता है अन अकेडमी इज़ ए गुड इंस्टीट्यूशन राइट right? तो अस स्टार्ट अब हम जो बच्चे इस समय पर बी कर रहे हैं तो बी के बाद बच्चे एक क्वेश्चन आता है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए क्या हम किसी टेक्निकल जॉब की प्रिपेशन करनी चाहिए या फिर हमारे पास नॉन टेक्निकल की अब हमारे पास अभी हमें क्या करना चाहिए राइट बिकॉज टेक्निकल भी करेंगे तो ऑप्शंस बहुत आते हैं टेक्निकल में आप कोई जॉब लेना चाहते हैं आईटी कंपनी या फिर यू you नो know, टेक किसी कंपनी पे जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट में या फिर किसी कंपनी में किसी गवर्नमेंट जॉब पे आप लेनी चाहिए या फिर आप इसके बाद एमटेक करना चाहिए या फिर एमबीए करना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नॉन टेक्निकल भी है जैसे एम इज़ ए नॉन टेक्निकल जॉब राइट प्रिपरेशन करना चाहते हैं एम की तो वेस्टली जॉब नहीं है बट अगेन वो भी एक नॉन टेक्निकल एक ऑप्शन है कुछ बच्चे जो है एम करना चाहते हैं यू करना चाहते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम सब कुछ चेक करेंगे कि हम कौन कौन से फील्ड पर हम लोग जा सकते हैं जिस बच्चे ने बीटेक किया है तो उसके बाद भी बच्चा अब क्या करना चाहिए क्या बच्चे को टेक्निकल में ही जाए या फिर बच्चा नॉन टेक्निकल पे जाए क्योंकि देखो पहली तो आपकी चॉइस होती है जो बच्चा मुझे लगता है कि शायद मुझे टेक्निकल में बहुत अच्छा फील होता है आई फील गुड विद टेक्निकल तो ऑब्वियसली आप इस फील्ड में जा सकते हैं और कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं नॉ नौ, नॉन टेक्निकल पे जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो भी आप जा सकते हैं तो यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूँगा मोस्टली वो मैं टेक्निकल के बारे में ही डिस्कस करूँगा क्योंकि मुझे पर्सनली आई फील टेक्निकल फील्ड इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल मुझे पर्सनली टेक्निकल में ही ज़्यादा मज़ा आता है बट जो बच्चे नॉन टेक्निकल भी करना चाहते हैं ऑब्वियसली आपकी चॉइस है और आपकी चॉइस बहुत अच्छी है बोथ थिंग्स थिंग्स आर गुड बट मुझे इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ टेक्निकल फील्ड के बारे में ही डिस्कस करेंगे ओके okay? तो बिफोर वी स्टार्ट आई टोल्ड यू आप सभी को मैंने बता दिया है दैट आई ज्वाइन अन अकेडमी और अन एकेडमी में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस समय पर गेट की तैयारी कर रहे थे चाहे वो गेट 2022 की तैयारी कर रहे थे या फिर गेट 2023 की तैयारी कर रहे थे अगर जो भी बच्चा गेट 2022 की तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए अन अकेडमी की तरफ से वी हैव ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए आई एम टी राइट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। ओके okay? तो जिस बच्चे ने ऑलरेडी गेट की तैयारी की है और अभी आपको पता है कि हमारे एग्जाम में लगभग वन मंथ का ही टाइम है एक ही महीने का टाइम है क्योंकि हमारा जो गेट कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है वो फिफ्थ ऑफ फेबर को आपका एग्ज़ाम है दैट विल बी इन मॉर्निंग सेशन विच इज नाइन ए एम टू ट्वेल्व पी एम तो इस सेशन पे आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको करना ये है कि गेट के एग्ज़ाम की, की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप स्ट्रांग होते चले जाओगे और आपका जो गेट का रैंक है वो उतना बेटर आएगा और इस बार अनएकैडमी से जो जो टेस्ट सीरीज़ है वो इंडिया में पहली बार अनकेडमी ने दिया है एंड एटलीस्ट फिफ्टी थाउजेंड स्टूडेंट्स एटलीस्ट राइट सिर्फ यू नो कम्प्यूटर साइंस से एटलीस्ट फिफ्टी थाउजेंड पीपल जो है वो इस मॉल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को देंगे राइट right? तो ऑबियसली अपनी प्रिप्रेशन को देखने के लिए कि आपकी प्रपेशन कितनी अच्छी है या नहीं है इसको करने के लिए यू कैन गो टू दिस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और जो टेस्ट सीरीज है वो होती है एवरी संडे यू कैन सी हियर एवरी संडे फ्रॉम सेकेंड जनवरी टू थर्टी ऑफ जनवरी तो इसको देने के लिए प्लीज ज्वाइन दिस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ओके सेकेंडली अनअकेडमी के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी कोर्सेज में इस समय पर यू कैन गेट एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ और आज जो है वो इसका लास्ट डे है जो भी अगर आप कोई भी कोर्सेज लेना चाहते हैं फ्रॉम अन एकेडमी तो आज लास्ट डे है ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ लेने के लिए उसके बाद ये इतना अच्छा ऑप्शन आपको शायद कभी नहीं मिल पाएगा और ध्यान दो कि आज रात को 12 बजे तक ही ये ऑप्शन अवेलेबल है रात को 12 बजे के बाद आप 22 परसेंट आपको नहीं मिलेगा राइट तो यू हैव टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल ओके एंड सेकेंडली ऑनअमी देर आर टू काइंड ऑफ कोर्सेस वन इज योर आइकोनिक कोर्स तो प्लस कोर्स जो है वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की तरफ से है तो so आपको जो भी कोर्सेज आप ले रहे हैं चाहे वो प्लस लो या फिर आइकॉनिक लो तो आप किसी भी ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन आइकॉनिक में एक कुछ स्पेशल ऐसा है कि जो भी प्लस कोर्स में जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है उसके साथ एक स्पेशल चीज़ आइकॉनिक कोर्स में भी है वो ये है कि हमें एक मेंटर जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो वो डाउट जो है वो टीम जो है वो आपको सॉल्व करेगी चाहे वो स्टडी मटेरियल के बारे में हो चाहे वो डाउट्स के बारे में हो चाहे वो आपके मोटिवेशनों के बारे में हो या फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो टीम जो है वो हमेशा आपके साथ साथ रहेगी तो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज ऑप्शन और एज अगे एज अगेन आई सेट कि जो भी आप कोर्सेज आप लेंगे उसमें से जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज कौशिक टेन और उससे आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा ओके okay? और सेकेंडली एक स्पेशल क्लासेस एक ऑप्शन है तो स्पेशल क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म जैसे कि आज जो मेरी क्लास है रात को एट नाइन थर्टी पी एम आई मीन इवनिंग में बोलेंगे सो टुडे इवनिंग एट नाइन थर्टी पी एम मेरी एक स्पेशल क्लास है कि जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे थे तो स्पेशली वो क्या वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उसके बारे में आज मेरी स्पेशल क्लास होगी जो लगभग एक घंटे की जो क्लास होगी आज एट नाइन थर्टी पी आई मीन नाइन थर्टी पी पर तो वन आवर की एक स्पेशल क्लास रहेगी तो स्पेशल क्लास में क्या है तो स्पेशल क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहली चीज़ तो यही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको इसके लिए कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है as I told यू इट इज़ फ्री ऑफ़ कॉस्ट सेकेंडली जो आपकी जो क्लास रहेगी वो इंट्रैक्टिव होगी ओके उसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा कोई डाउट आएगा तो जस्ट रेज योर हैंड आंसर योर क्वेश्चन जो भी नोट्स रहेंगे जैसे कि आज की जो मेरी क्लास होगी उसके जो भी नोट्स रहेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं एट एनी टाइम यू कैन वॉच दीज वीडियोज ऑल्सो सो प्लीज़ जॉइन टू माई क्लास इन अन अकेडमी और उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन पे भी आपको मिलेगा और साथ साथ में ये जो लास्ट में आपके पास लिंक है यहां से भी आप इसको कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन से भी आप इसको देख सकते हैं ओके सो लेट्स क्रैक इट नाउ आई टोल्ड यू कि जो हमारे पास दो ऑप्शन हैं यहां पर पहला टेक्निकल ऑप्शन है और सेकेंड है आपके पास नॉन टेक्निकल ओके तो हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे तो पहला ये है कि जब बच्चे टेक्निकल की तैयारी करते हैं तो उसके पास चार सबसे बड़े ऑप्शन हैं ओबीसी इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं बट मैं ऐसे टॉपिक्स ऐसे जॉब्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो हर कोई चूज करता है तो हमारे पास चार सबसे बड़े ऑप्शंस हैं पहला यू कैन गो फॉर प्राइवेट कंपनीज ओके सेकेंडली यू कैन गो टू पी एस यूज पी एस यूज यानी कि ऐसी कंपनीज होती है जहां पर प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं और गवर्नमेंट भी होती है दोनों से मिलकर एक हमारे पास पी एस सीज यहाँ पर स्टार्ट होते हैं बनते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम देखते हैं और नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा वो है हायर चॉइस आई मीन हायर स्टडीज़ तो हायर स्टडीज़ में भी अगेन यू कैन हैव लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस लाइक यू कैन गो टू एमटेक टेक और यू कैन गो टू एम और जो भी आपके ऑप्शन है हम यहाँ से देखेंगे ओके सबसे पहला है हमारे पास प्राइवेट कंपनीज़ तो प्राइवेट कंपनीज़ हमारे पास लगभग चार तरह की कंपनीज़ यहाँ पर हो सकती है पहला हमारे पास होता है टीयर वन कंपनीज़ फिर होती है हमारे पास टीयर टू कंपनीज़ फिर होती है हमारी टेयर थ्री कंपनीज़ और लास्ट हमारी होती है स्टार्टअप्स अब बच्चे हमेशा चूज़ करते हैं ऐसी कंपनीज़ हम ढूंढते हैं जो कि अगर हमें टीयर कंपनीज़ अगर हमें मिलता है तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन यहीं पर मिलता है कि पहला चीज़ ये है कि एक तो सैलरीज बहुत अमेजिंग होती है सैलरीज बहुत अच्छी होती है फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है राइट right? लेकिन हायर भी सैलरीज होगी लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि टीयर वन कंपनी सिर्फ उन्हीं कंपनी से आपको मिलेंगे जहाँ से आपका जो बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा हो जैसे कि आपने किसी आईआईटी से आपने अपनी बीटेक फिनिश किया है या फिर आप एनआईटी से किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से किया है तो वो सभी ऑप्शन जो है ना वो टीयर वन कंपनीज में आता है तो टीयर कंपनीज को जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ह्यूज कंपनीज होती हैं जहाँ का जो उनका रिवेन्यू जो है वो उनका एटलीस्ट वन बिलियन डॉलर से ज़्यादा बड़ी होती ज़्यादा होती हैं जिसमें एम्प्लाय एम्प्लॉयज़ जो है एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर होते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल आपने देखा है जैसे कि गूगल गूगल का जो अब नाम है वो है अल्फाबेट राइट उसी तरीके से आपके पास ऑप्शन आता है फेसबुक जिसका अब जो नाम है वो है मेटा या फिर यू हैव ऑप्शन लाइक सिस्को माइक्रोसॉफ्ट एडोबी, तो ये वो कंपनीज हैं जिनकी सबसे ज़्यादा सैलरीज मिलेगी राइट जैसे अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो जो एवरेज सैलरीज जो हैं स्टार्टिंग से ही वो अराउंड 18 से लेकर ट्वेंटी फाइव लैक्स पर मंथ की सैलरीज होती, होती है पर ईयर की सैलरीज होती है पर ईयर राइट right? वो भी स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप करते हैं जब आप किसी भी कंपनी को शिफ्ट मतलब एक कंपनी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी को आप शिफ्ट करते हैं राइट right? तो उस केस में एटलीस्ट आपकी जो सैलरीज होती है वो थर्टी परसेंट टू फोर्टी परसेंट सैलरीज आपकी बढ़ती है जैसे कि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया आपने बटर सपोज आपने इसको को इस्को को आपने ज्वाइन किया आइर आप एक साल दो साल तीन साल सेम कंपनी में आप रहते हैं उसके बाद जब आप कंपनी चेंज करते हैं तो चेंज करते हुए आपको एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ आप मतलब सैलरी जो है वो बढ़ जाती है तो ओबियसली यू गेट ह्यूज ह्यूज ऑप्शंस हियर आपकी सैलरीज है बहुत अच्छी बढ़ती है आजकल काफ़ी कंपनीज़ में आप देखा है जब आई में आप जाते हो तो यू कैन सी कि आपके बहुत अच्छे ऑफर्स आते हैं कि वन करोड़ का ऑफ़र होता है सेवेंटी लैक्स का ऑफ़र रहता है वो सभी कंपनीज जो है वो जॉब्स आती है वो सभी टीयर वन कंपनीज से ही मिलती है इसके बारे में अलमेक वीडियो सेपरेट वीडियो कि सिर्फ टीयर वन कंपनीज़ के बारे में ही मैं बहुत डिटेल के बारे में डिस्कस करूंगा उसका एक मैं वीडियो बाद में भी बनाऊंगा उसके बाद आपकी आती है टीयर टू कंपनीज तो टीयर कम कम्प, टू कंपनीज ऐसी कंपनीज़ होती है जिनका जो रिवेन्यू होता है वो वन बिलियन डॉलर से कम होती है ओके okay? अब जैसे कि आज में कुछ ऐसे नाम है जिनकी ओपिसी सैलरी जो है कंपेटिवली थोड़ी सी कम होती है जैसे कि आपके टी होती है इन्फोसिस होती है पिप्रोचो थी या फिर एच है तो ये ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर आपका जो रेवेन्यू जो है वो कंपनी का वो बहुत ज़्यादा है वन बिलियन डॉलर के आसपास है लेकिन यू कैन ऑल्सो सी एट द सेम टाइम यहाँ पर जो एवरेज सैलरीज जो है वो थ्री लैक्स से लेकर रफली ट्वेल्व लैक्स के आसपास सैलरी जो है स्पेशल जो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो इसके आस ही रहती है ओके okay? राइट right? और जनरली ये मास्क मास्क रिक्रूटर्स यहाँ पर होते हैं ओके okay? तो एस ए टू ड्यू दिस इज विप्रो इन्फोसिस ये ऐसी कंपनीज़ हैं एच जो हर एक मोस्टली ज़्यादातर कंपनीज़ में जिसी आप जब बी करते हैं तो उसके आप पास यही ऑप्शन आपको मिलते हैं ओके बट अगेन तो यहाँ से भी इट्स ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन आपकी लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव होगी उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आप करते हैं वो टीयर थ्री कंपनीज होती हैं यानी कि ऐसी कंपनीज या तो जिनका रेवन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है वो किसी स्मॉल कंपनीज के आसपास है जिनका टर्न ओवर ऑलमोस्ट यू नो 500 बिलियन डॉलर के आसपास कुछ रहता है राइट लेकिन जो लास्ट में आती है स्टार्टअप स्टार्टअप ऐसी कंपनी जो अभी अभी स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें कुछ यू you नो know, पांच कंपनी फाइव पीपल टू लेके लेकिन हंड्रेड कंप हंड्रेड यू you नो know जो रिवेन्यूज आई मीन एम्प्लॉयज यहाँ पर होते हैं राइट तो स्टार्टअप कंपनीज भी है जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं तो बेसिकली कि सीखने में सब कुछ मिलेगा राइट स्टार्टअप से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है राइट लेकिन वो मैटर ये करता है कि जो कंपनी की जो टीम है वो कितनी स्ट्रांग है उसे क्या सीखने को मिलेगा तभी आप स्टार्टअप में चूज़ करेंगे अदरवाइज स्टार्टअप आप चूज नहीं करेंगे बट सबसे पहला जो जॉब है सबसे बेटर रहता है कि आप ट्राई करो कि आपको सिर्फ टीयर वन जॉब ही मिले। दट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओके उसके बाद आपके पास आती है पीएस you यूज know, तो जो है वो दो तरह के होते हैं चाहे वो एक सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएस यूज होते हैं या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपके पास होती हैं अगर आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो तीन तरह की हैं पहला महारत्ना सेकंड इज नवरत्ना थर्ड इज मिनी रत्ना और मिनी रत्ना में भी तीन और कैटेगरीज हैं जिसके हम बोलते हैं टीयर वन मिनी रत्ना एंड सेकंड इज यू नो आई मीन एंड कैटेगरी टू यू नो मिनी रत्ना राइट दिस कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू तो जैसे महारत्ना कंपनीज जो ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो एवरेज

दोनों चीज का मिक्स यहाँ पर रहता है फिर आपके पास रहता है महारत्ना तो महारत्ना कंपनीज एक ऐसी होती है जिसके कुछ कैटेगरीज हैं जिनके बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी थोड़ा सा रिसर्च करेंगे गेट लॉट ऑफ आइडिया और फिर आपके पास होती है मिनी रत्ना एन, एन मिनी रत्ना कैटेगरी वन एंड मिनी रत्ना कैटेगरी टू इन सभी के बारे में मैंने वीडियो पहले भी बनाया है और वो वीडियो मैंने बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है मैं दोबारा से इसको इतना बहुत डिटेल में भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ें मैंने ये वीडियो बहुत डिटेल में पहले ऑलरेडी बना भी चुके हैं लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियोज़ ऐसे हैं जो बार बार दिखता नहीं है ओके बट अगेन जस्ट डू सम रिसर्च इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो कि नवरत्ना महारत्ना इन सब बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि जो महारत्न कंपनीज ऐसी हैं जिनके जो नाम हैं हमारे पास जैसे बी एच ई एल बी पी सी एल सी आई एल गेल एच पी सी एल आई ओ सी एल एन टी पी सी ओ एन जी सी पी जी सी आई एल एंड एस सी आई एल तो कितने महारत्न है राइट right? महारत्न कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन तो इस समय पर लगभग दन टेन ऐसे महारत्ना कंपनीज हमारे पास है लेकिन पहले ऐसा नहीं था कुछ साल पहले जब मैंने ये वीडियो पहली बार शूट किया था इन 2014-15 में तो उस समय पर हमारे पास सिक्स ऐसे महारत्ना कंपनीज थे और जब मैंने ये वाला वीडियो वीडियो मैं दोबारा से रिपीट किया रिपीट किया था इन 2018 तो उस समय पर हमारे पास एट महारत्ना कंपनीज थे और अब जो है अब यहाँ पर टेन हो चुके हैं तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो पहले से ऐड हो चुके हैं कुछ माइनस भी हो चुके हैं राइट तो महारत्नाज जो है वो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं इसके अलावा जो नवरत्ना है उसमें बहुत सारे हैं जिनके लिस्ट जो है अब आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे बी ई एल कौनकोर ई आई एल एच एल राइट एच एम एच टी एम एल नालको एन बी सी सी एन एम डी सी राइट ऑयल एन आई एल आर आई सी एन एस आई सी सो इस तरीके से बहुत रतना महारत्न महारत्नाश बहुत सारे हैं कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो लगभग थर्टीन इतने हमारे पास महारत्नास इस समय पर अवेलेबल है और थर्ड अब आपके पास कैटेगरी वन आप चेक करेंगे तो देखिए लिस्ट तो है वो बहुत बड़ी है बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पर उसी तरीके से जब कैटेगरी टू के बाद चेक करेंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें ऑप्शन है इवन यू कैन ऑल्सो गेट सम ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर डिफेंस तो डिफेंस के भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शन यहाँ से मिल जाते हैं अब जनरली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो आपको मिलती है अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ तो सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज आपको मिलती है वो महारत्ना कंपनीज़ में ही आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं सैलरीज भी बहुत अच्छी होती है फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है बिल्कुल एक सेफ्टी ऐसी रहती है गवर्नमेंट जॉब की तरह पर और साथ साथ में सैलरीज मिलती है आपके प्राइवेट कंपनीज की तरह पर तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज वेरी गुड ऑप्शन तो अगर आप महारत् कंपनी की तैयारी करना चाहते हैं फॉर बी इन कंप्यूटर साइंस तो ऑब्वियसली आप गेट की तैयारी कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट कंपनीज में भी जाना चाहते हैं <coughs> सॉरी तो अगर आप प्राइवेट कंपनीज में भी जाना चाहते हैं तब भी अगेन यू कैन यूज द सेम ऑप्शन राइट तो उसके लिए हम गेट की ही तैयारी करेंगे उसके लिए भी सेम ऐसा ही रहेगा ओके okay? अब उसके बाद यू कैन सी इसके अलावा हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंक्स भी ऑप्शन है, है तो ये सभी हमारे पास पी के अंदर भी आते हैं और पी की जो लिस्ट है वो बहुत लेंदी है तो उसके लिए आपको करना ये है कि जस्ट सर्च इन पी एस यूज़ और पी एस यूज़ की जो लिस्ट है वो आप सर्च कर देना गूगल के अंदर और ये जो ऑप्शनस है आपको मिल जाएंगी इसका ह्यूज ह्यूज लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है इसके बारे में आपको करना ये है कि जब भी अगर आप कोई जॉब लेना चाहते हैं तो इसके बारे में एक लिस्ट को एक गो थ्रू करो और उसकी जो हर साल बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जॉब के लिए राइट प्राइवेट जॉब प्राइवेट प्राइवेट मतलब जैसी भी जॉब है उसके अंदर आप उसके बारे में थोड़ा सर्च करेंगे तो येट दीज ऑप्शन तो इसका जो लिंक है अगेन मैं कॉमेंट सेक्शन में ही मैं डाल दूंगा यू कैन यूज़ दैट ओके अब उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब पर जाएंगे तो अब हमारे पास दोबारा से ऑप्शन आएंगे आईतर यू कैन गो जॉब एज ए इंजीनियर और यू कैन गो एज ए टीचर या फिर और पी टीचर्स में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जैसे पी जी टीज हमारे पास होते हैं पी जी टी कंप्यूटर साइंस है ना कंप्यूटर साइंस तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं जैसे ऐसे इंजीनियर आपके पास एक साइंटिस्ट भी होती है हमारे पास जैसे हमारे पास इसरो होता है आपके पास इसरो ठीक है डी आर राइट ऐसे बार्क राइट सो तो यहाँ पर आपको रिसर्च के अगर आपको ऑप्शन आप करना, रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं दूसरा आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं जैसे कि आपके पास ई एस ई से इसकी प्रिपरेशन आप करते हो फिर आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं इसकी तैयारी भी आप ई एस के थ्रू ही करते हो और ये थर्ड ऑप्शन उप्ष, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास होता है जूनियर इंजीनियर राइट तो ये जो है जी ई एक ऑप्शन आता है इसकी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो यहाँ से गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है एज ए इंजीनियर करेक्ट उसी तरीके से एज ए टीचर आप पी कंप्यूटर साइंस का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसका एक ऑप्शन होता है आपके पास के वी एस के वी एस राइट केंद्र विधेयक समथिंग समथिंग राइट तो इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे गिलगेटिया के सो एस इसको बोलते हैं या फिर आप किसी स्पेसिफिक आप स्टेट के बारे में भी एग्ज़ाम्स होते हैं राइट right? uh, तो थोड़ी सी पीजीटी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना तो इससे आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे तो इसे टीजी टी टीजीटी भी है इसमें टीजीटी टी भी है टीजीटी टी भी है पीजीटी भी है और पीआरटी भी है राइट तो फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए आप यही दो ऑप्शन आप चूज करते हैं फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए यही जो ऑप्शन है जो आप यूज करते हैं राइट इसके अलावा भी आप रिसर्च भी कर सकते हैं अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं एज ए टीचर की बात करूंगा तो आप आइर एज ए लेक्चरर की जॉब करेंगे लेकिन उसके लिए आपको मास्टर्स करना जरूरी है जैसे कि आपने यू नो मैच एम टेक आपने किया हो राइट एम टेक आपने किया हो ठीक है दूसरी बात आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है तो अगेन आपने एम टेक किया हो या फिर आपने पी किया हो पी एच डी राइट 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 दूसरा आपके पास एसोसिएट आई मीन एसोसिएट प्रोफेसर की आपकी एंट्रीज होती है और जो फोर्थ होता है एज ए प्रोफेसर राइट तो उन सबकी अलग अलग टाइप की आप सेलेक्ट कर सकते हो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा तो गेट अ गुड ऑप्शन कि कैसे कैसे इसकी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं लास्ट अब आपके पास हायर स्टडीज़ में ऑप्शन कौन कौन से हैं पहला आदर यू कैन गो फॉर एम टेक और एम ई और एम एस और एम एस सी और पी एच डी और एम सी ए अब जनरली क्या होता है इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते बहुत छोटा डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि पहली बार ऐसा होता था कि पहले शायद बहुत ह्यूज डिफरेंसेस होते थे पर आज के केस में आप यो एम टेक और एम -E दोनों सेम ही माना जाता है पहले ऐसा नहीं था पहले थोड़ा डिफ्रेंसिस यहाँ पर हुआ करते थे उसके अंदर भी आपके पास आइदर यू कैन गो फॉर टीचिंग असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट जैसे कि अगर आप आई बॉम्बे अगर आप जाएंगे तो आई बॉम्बे में ये ऑप्शनस है इधर कैन यू नो एम टेक आप कर सकते हो एज अ असिस्टेंट टीचिंग असिस्टेंट या फिर रिसर्च असिस्टेंट तो ऑब्वियसली उसमें आपको सैलरीज uh, भी यहाँ पर मिलती है ओके okay? उसके अलावा यू कैन गो टू मास्टर ऑफ साइंसेस राइट जनरली अगर आप पिनाल पिलानी में अगर आप जाएंगे राइट right? राइट right? तो वहाँ से या फिर कई सारे आई में भी है जैसे आई बॉम्बे में भी है आई दिल्ली के अंदर आई थिंक आई दिल्ली के अंदर भी एम का भी ऑप्शन है दिस ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन बट डिफरेंस ये रहता है कि जैसे एम जो है वो हमारा टू ईयर का कोर्स रहता है जो एम जो है ऑलमोस्ट टू एंड हाफ ईयर का रहता है राइट right? तो दिस ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं बट जो भी करो आप इसमें कुछ भी करो लेकिन हमेशा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ही करें या फिर बहुत अच्छी आई से ही करें अगर उससे इसमें नहीं करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है तो तब भी आपको शायद अच्छी जॉब ना मिले तो बेटर हमेशा है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस यहाँ से ही करें अदरवाइज ना ही करें तो बेटर है। Next, आपके पास आप 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 कर सकते आप, आ, IIT, आप कर सकते सकते हैं। हैं, इसके अलावा भी 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 में में कुछ अगर आपने पहले आप बीटेक किया बीटेक के बाद यू कैन गो टू एम एस सी एम एस सी इन कंप्यूटर साइंस और जैम का एक, एक एग्जाम होता है जिसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं फिर अगेन पी एच डी हो गए पी एच डी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप रिसर्च की तरफ आकर आप जाना चाहते हैं रिसर्च तो रिसर्च करने से बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर ये भी मिल जाते हैं क्योंकि अगर आपने पीएचडी करेंगे तो पीएचडी के बाद दोबारा से जो आपके पास गवर्नमेंट जॉब है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एज ए प्रोफेसर उसकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं किसी खुद की इस कंट्री में या किसी और कंट्री में जाने के लिए भी आप पी की तैयारी कर सकते हैं और लास्ट जो है वो एमसीए भी कर सकते हैं बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक के बाद आप एमसीए ना ही करें तो बेटर रहेगा रहे इससे बेटर है कि आप एम टेक ही करें वो ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अदर एम टेक करें या फिर आप एमएससी करें दीज आर बेटर ऑप्शन दोनों जो हैं वो बेटर ऑप्शन यहां पर अब मुझसे इतने सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए राइट बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इस पूरी जॉब इस पूरे पीपीटी के अंदर तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे बच्चे को क्या करना चाहिए अगर मैं इस पोजिशन पर होता अगर मैं अपनी अगर मैं इस केस में अगर मैं होता कि मैंने इस समय पर बीटेक किया है और बीटेक के बाद इतना एक्सपीरियंस के बाद देखो मैंने अपनी जो बीटेक किया था वो 2011 में किया था तो अगर मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ तो मैं 2011 में मैंने अपनी यू नो बीटेक किया था और बीटेक के बाद इतने एक्सपीरियंस के बाद अब अगर मुझे दस साल मुझे हो चुका है इस मोर देन टेन ईयर्स और इस दस साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर कोई मुझसे पूछा जाए कि भाई मैंने बीटेक के बाद मुझे क्या करना चाहिए तो मेरा एक ही आंसर होगा और जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो मैं बोल सकता हूँ कि मैं मैंने एम की तैयारी करी और वो सबसे बेस्ट था दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव डन बी टेक के बाद अब मुझे उसके बाद जो भी ऑप्शन करना है बिकॉज़ एम टेक के बाद क्या होता है जब आप एम टेक करते हैं तो आपको लाइफ में सीखने के में बहुत कुछ मिलता है आपका ब्रेन जो है बहुत खुल जाता है और आपको समझ आता है कि लाइफ में क्या सही है क्या नहीं है क्योंकि बी टेक तक तो इतनी चीज़ें ऑप्शन ऑब्वियसली बेसिक आइडिया ही सबको मिलता है लेकिन जब एम टेक जाएँगे तो लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अब अगर उस टाइम पर अगर मुझे कुछ ऑप्शन होता कि मुझे क्या करना चाहिए था तो मुझे मुझे बेस्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करता कि मैं ये करता कि मेरा जो रास्ता होना चाहिए था मैं सबसे पहले यहाँ पर एम की तैयारी करूँगा बी के बाद मतलब बी के बाद मैं एम करता और एम के बाद अब मैं कोई भी यहाँ से सेलेक्ट पर जाता या तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए टीयर वन कंपनी की तैयारी करूँगा राइट या फिर मैं जाऊँगा रिसर्च पे राइट तो मैं एमटेक के बाद जाऊँगा पीएचडी और पीएचडी के बाद फिर मैं यहाँ पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर पर इस रास्ते को मैं चूज करता राइट right? या फिर मैं 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 पीएचडी करने के बाद मैं यहाँ पर असिस्टेंट की पोजीशन पे ट्राई करता राइट right? या फिर पीएचडी से इस कंट्री से दूसरी कंट्री में भी रिसर्च कर सकता था ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो सेट करता लेकिन एनी anyway, वे एक ही तरीका मैं करता क्लियर रास्ता यही था कि मैं बी करता बी के बाद मैं एम करता और एम के बाद मैं जो भी करता मैं रिसर्च पे जाता या फिर मैं एक टीयर वन कंपनी पे जाता दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन या फिर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब पे मैं सेलेक्ट करता राइट तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था जिसकी तैयारी हर एक बच्चा करता है और हर कोई इसी की तैयारी करना चाहिए और यही सबसे अच्छा ऑप्शन है राइट right. बिकॉज ये इस वीडियो को मैंने दोबारा से इसलिए शूट किया क्योंकि बच्चों को मैंने ऑप्शंस तो बहुत सारे बता दिए मैंने बताया कि सर ऐसे भी करना चाहिए आपको वैसे भी करना चाहिए आपको ये भी करना चाहिए आपको वो भी करना चाहिए बट अगर मेरे टाइम पे अगर जितने दस साल का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इसके बाद अगर कोई मुझे डायरेक्टली सीधा पूछता है कि आपको क्या करना चाहिए तो आजकल से डायरेक्टली यू कैन गो फॉर एम और एम के साथ आपको जो भी करना है सबसे बेस्ट पर जाओ एवरेज में मत जाना एवरेज हो चुका है अब हमें करना है सबसे बेस्ट अब इंडिया में सबसे बेस्ट ही करना है इस समय पर तो वही सबसे अच्छा ऑप्शन है ओके और सभी की तैयारी करने का एक ही तरीका है कि ज्यादातर चीजों की तैयारी यही है कि सबसे पहले तो आपको गेट की ही तैयारी करनी है गेट तो बच्चों को सबसे पहले सर्च करो व्हाट इज गेट और गेट की तैयारी करो और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ओके चाहे वो प्राइवेट जॉब की तरफ प्रिपरेशन करनी है चाहे वो एम करना चाहते हैं चाहे वो एज ए साइंटिस्ट की तरफ जाना चाहते हैं या फिर एज ए गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं आप कुछ भी करना चाहते हैं सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि सबसे पहला तरीका यही है एवरी फर्स्ट स्टेप आफ्टर बी टेक इज प्रिपेयर फॉर गेट सबसे अच्छा ऑप्शन यही था ओके okay? तो चलिए तो अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो सबसे पहला काम यही है कि आपको सेलेक्ट करना है कि आपको गेट का कोर्स आप ले सकते हैं विद मी राइट विद हिमांशु कौशिक मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी अब स्टार्ट होने वाली है और साथ साथ में एक कोर्स भी मैं वहाँ पर लेना चाहता हूँ तो उसको अगर आप लेना चाहते हैं सबसे पहले आपको काम यही है कि मेरे प्लस कोर्स में जाने के लिए भी यू कैन यूज द नेम विच इज़ कौशिक टेन तो ये एक ऑफ़ आपको मिल जाएगा और आज का लास्ट डे है आज शायद इसके बाद ऐसा ऑप्शन आपको ना मिले ठीक है तो जो बच्चा ऑलरेडी गेट की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले काम यही है ए आई एम टी की तैयारी करें और प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा हो सके गेट की प्रिपेशन आप यहाँ से करेंगे ओके और सेकेंडली एज यू सेंट कि आज ही आज लास्ट डे है और आज रात को 12 बजे के बाद ये ऑप्शन आपको शायद दोबारा ना मिले तो इसके लिए एटलीस्ट यू शुड गेट 22 परसेंट ऑफ़ फ्रॉम एन अकेडमी और साथ साथ में यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक टेन के ए यू एस एच आई के कौशिक टेन तो उससे आपको स्पेशल ह्यूज ऑफ आपको यहाँ से मिल जाएगा ओके सेकेंडली और अन अनकेडमी वी हैव फोर टाइप ऑफ फोर आई थिंक फाइव टाइप ऑफ कोर्सेस पहला ये है थ्री मंथ कोर्स सिक्स मंथ कोर्स ट्वेल्व मंथ कोर्स एटीन मंथ कोर्स एज वेल एज ट्वेंटी फोर मंथ कोर्स तो जो भी आप ऑप्शनस आप लेना चाहते हैं चाहे वो प्लस कोर्स हो या फिर आइकॉनिक कोर्स हो आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जस्ट यूज़ द कूपन कोड विच इज़ कौशिक टेन और आज ही करो सबसे अच्छा बेनिफिशियल यही रहेगा ओके okay? और जो हमारे पास आइकॉनिक कोर्स में जितनी भी चीज़ें हमारे पास प्लस कोर्स में है आइकॉनिक में हर चीज़ अवेलेबल है आप प्लस भी चूज़ कर सकते हैं और आइकॉनिक भी कर सकते हैं जो भी आप चाहें आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो उसके अंदर बस एक स्पेशल चीज़ ये है कि आपको हमेशा एक मेंटर जो है हमेशा आपके साथ रहेगा और जो वन टू वन लाइव सेशन ही रहेगा और आपको डाउट सेशन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए टीम हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहेगी जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक टेन ओके एंड थैंक यू सो मच और जो भी सजेशन आपके रहेंगे प्लीज़ फ़ील फ्री टू राइट टू मी कमेंट आप लिख सकते हो मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक बच्चे के कमेंट्स पढ़ता हूँ और इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल पी को कमेंट सेक्शन पे यहीं पर मैं आपको दे दूँगा और uh, कुछ भी कनेक्ट होना चाहें प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ओके एंड थैंक यू सो मच